डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ नए टॉपिक्स बल्कि पांच नए टॉपिक्स फिर से कंप्लीट करेंगे और अपने स्तर पर जितना भी संभव हो इसे अपना बेस्ट देकर फुल प्रूफ ढंग से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक भी टॉपिक छूटा तो वो आपका बैकलॉग हो गया। तो हमें किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, प्रयास करना है कि कम से कम सुपरफिशियली ही सही लेकिन इन टॉपिक्स को कंप्लीट करके ही दम लेना है। आज के पांच नए टॉपिक्स आ चुके हैं लेकिन एक नया सेगमेंट इसमें जुड़ने जा रहा है और उस पर आपका रेफरेंडम हमें चाहिए। करेंट अफेयर्स को हम इंक्लूड करना चाहते हैं। करेंट अफेयर्स रेगुलर होना चाहिए। आप किस मैगजीन को प्रेफर करते हैं, हम आप पर ये छोड़ते हैं। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दें कि आप किस मैगजीन को चाहते हैं कि उसे चलाया जाए रेगुलरली, ताकि करेंट अफेयर्स भी हमारा ग्रेजुअली कंप्लीट होता जाए। तो आप ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि कौन सा मैगजीन आपके लिए बेहतर होगा। याद रखें, जहाँ पर मेजॉरिटी होगी हम उसी मैगजीन को चलाएंगे, चाहे दृष्टि हो, चाहे प्रतियोगिता दर्पण हो, चाहे कोई दूसरी मैगजीन हो, हम उस मैगजीन को चलाएंगे जिन पर आपका अधिक सर्वाधिक वोट आएगा। तो आप अपने कमेंट्स दें, मैक्सिमम वोटिंग जिस पर होगी वो मैगजीन करेंट अफेयर्स में हम लोग भी रेगुलर बेसिस पे करेंगे, ताकि करेंट अफेयर्स में भी हम लोग कंसोलिडेटेड रहें, अपडेट रहें और एग्ज़ाम में हमें इस सेक्शन से क्वेश्चन कहीं पर भी छोड़ना ना पड़े। अब वे 10 क्वेश्चंस जो आपको पिछले टॉपिक्स में दिए गए थे और आपने उसे पढ़ा है। पिछली बार तो क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे लेकिन आज से 10 नए क्वेश्चंस फिर से आ गए हैं, जो दो दिनों पहले आपने टॉपिक्स लिया और उन्हें कंप्लीट किया है। आपने खिलजी वंश पढ़ा हिस्ट्री में। मेरा पहला क्वेश्चन है खिलजी वंश से कि अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने अस्थाई सेना रखा, टैक्स भूमि माप के आधार पर लिया, पहला शासक था जिसने मेजर करके लैंड को मेजर करके टैक्स सिस्टम चलाया। आपको बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि के माप के लिए, मेजरमेंट के लिए यूनिट किसे माना, यह यूनिट कौन था, उस यूनिट का नाम बताना है जिसको उसने माप की इकाई यूनिट ऑफ मेजरमेंट माना और उससे माप करके और फिर भूमि पर टैक्स लगाया। तो आपको बताना है कि उसने भूमि माप की इकाई किसको माना अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा क्वेश्चन है खिलजी वंश से ही कि इस वंश में एक ऐसा शासक नहीं बल्कि एक ऐसा व्यक्ति हुआ, एक ऐसा पर्सनैलिटी जिसने भारत में सितार और तबले का आविष्कार किया, वो व्यक्ति कौन था, नाम बताना है, जिसने सितार और तबले का आविष्कार किया, इन्वेंटर माना जाता है। उसके बाद ज्योग्राफी से आपने कॉन्टिनेंट किया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक एक लाइन इसका क्वेश्चन था। एशिया कॉन्टिनेंट आपने किया, हम लोग महादेश कर रहे हैं, ज़बरदस्त क्वेश्चन थे इसमें, सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। यहाँ से मेरा क्वेश्चन है, आपने एशिया का कॉन्टिनेंट किया, आपको बताना है कि किस देश को पूर्व का मोती कहते हैं, पर्ल ऑफ द ईस्ट किस एशियाई देश को कहते हैं, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन यहीं से आपको एशिया कॉन्टिनेंट से ही रिलेटेड है कि स्वर्णिम त्रिभुज, गोल्डन ट्राइंगल, स्वर्णिम त्रिभुज किन तीन देशों को कहते हैं, गोल्डन ट्राइंगल, तो इन तीन देशों का नाम आपको बताना है। उधर साइंस से आपने किया था ऑक्सीकरण अवकरण, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इससे प्राय क्वेश्चन आते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन से, केमिकल रिएक्शन रहेगा या कोई कंपाउंड रहेगा, पूछ देगा कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस दिखाई दे रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ये सब एग्जाम में प्राय इस सेगमेंट से पूछे जाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ से है, पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज का ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। और दूसरा इसमें आपको बताना है कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो एक कंपाउंड है, इससे जब हाइड्रोजन मुक्त होता है तो ये कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन का सेपरेशन होना, मुक्त होना, अलग होना ऑक्सीकरण प्रक्रिया है या अवकरण, यही आपको बताना है। याद रहे, बुक में देखकर नहीं बताना है, आपको सारे आंसर्स अभी तत्काल देने हैं ताकि पता चले कि आपने बुक में पढ़ा है, किताब में तो दिया हुआ, तो देख कर तो आप बता सकते हैं लेकिन देख कर नहीं बताना है, आपको आंसर अभी तत्काल देना है बिना बुक में देखे, ताकि पता चले कि इनके आंसर्स आप जान रहे हैं, आपने अच्छे से पढ़ा है। ये दो क्वेश्चन यहाँ से हो गए, छः क्वेश्चन हो गए। इधर हम लोग पॉलिटी में लोकसभा आपको फिर से दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपको बताना है कि लोकसभा का अध्यक्ष
स्पीकर ऑफ द लोकसभा किसको अपना रेजिग्नेशन देता है, त्याग पत्र किसे देता है? इसका आंसर आपको देना है सातवां नंबर। आठवां नंबर क्वेश्चन के लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन जब विवाद पैदा हो जाए लोकसभा और राज्यसभा में, तो राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट बुलाते हैं जिसकी अध्यक्षता स्पीकर ऑफ द लोकसभा करते हैं। आपको बताना है कि पहली बार संसद का संयुक्त अधिवेशन किस वर्ष हुआ। ये आपका दो क्वेश्चन पॉलिटी से हो गए। और उधर आपने किया साक्षरता किया था, यानी लिटरेसी रेट। मेरा क्वेश्चन है कि लिटरेसी रेट में, साक्षरता दर में भारत का दूसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य, सेकंड मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है? चूंकि केरल को तो हर कोई जानता है, आपको बताना है कि दूसरे नंबर पर कौन देश है। हम हमेशा कहते हैं कि टॉप थ्री आपको याद रखना है। तो दूसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य भारत का कौन सा है आपको बताना है, और बिहार की साक्षरता दर कितनी है यह बताना है दसवां नंबर क्वेश्चन। साथ ही जो बिहार के बाहर के हैं, यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वे लोग अपने राज्य का या यूनियन टेरिटरी का, दिल्ली हो या कोई और हो, वहां उनका अपना साक्षरता दर, और वहां पर अपने जिलों का सर्वाधिक तीन और सबसे लीस्ट लिटरेसी रेट आपको पता करके रखना है। तो ये आज के 10 क्वेश्चंस हो गए, इनके आंसर्स आपको तत्काल देने हैं बिना बुक में देखे। याद रखें सी फॉर क्रॉन, एल फॉर लूसेंट। आज के 5 नए टॉपिक्स, और अगली बार से करेंट अफेयर्स के भी टॉपिक्स आएंगे। आज का टॉपिक हिस्ट्री आपने किया एक, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्वाइट नेचुरल आपका तुगलक वंश आ जाता है। तुगलक वंश में 3 शासक हो गए, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें किसने सिंचाई कर लगाया, किसने कुछ नई घोषणाएं की, किसने राजधानी परिवर्तन किया, किसके समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ, कौन सा था जो नाप जोक करके कर लगाता था, कौन ऐसा था राजा था, भू राजस्व 50% लिया यानी आधा लिया, उत्पादन का हाफ लिया, 1/2 लैंड टैक्स लिया, ये कौन राजा था। तो इस तरह से आप डिटेल तुगलक वंश करें, पेज नंबर आपको दिए जा रहे हैं। इधर दूसरी तरफ ज्योग्राफी में क्वाइट नेचुरल, फिर से ज्योग्राफी में हम लोगों ने एशिया किया है, तो अब यहां से हम लोग करेंगे अफ्रीका महादेश। हर लाइन एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप करें महादेशों को, ये जो हम लोग कर रहे हैं इसमें हर एक लाइन एक क्वेश्चन है, तो इसे आप बहुत अच्छे से पढ़ें, ढेर सारे ऑब्जेक्टिव्स यहां से बन जाते हैं। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट हिस्ट्री ज्योग्राफी में हम लोग करेंगे, और उधर साइंस से केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी का नंबर आ रहा है, तो बायोलॉजी में हम लोग करेंगे। इस बार हम लोग क्रम से चल रहे हैं, अगर आप लोसेंट में देखें तो क्रम उसके बाद आ जाएगा जैव विकास का, इवोल्यूशन। जैव विकास यानी जो जीवों का विकास कैसे हुआ, यानी चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डी व्रीज, लामार्क, सबका जो डेवलपमेंट है, सिद्धांत है, नई क्या क्या बातें इन्होंने कही, कहाँ पे पूंछ गायब हो गया, कहाँ पर पैर आ गया, कहाँ पे गर्दन लंबी हो गई, सारे डिटेल्स इस जैव विकास में आप पढ़ेंगे। तो यहां पर आप पढ़े, ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, यहां पर बहुत अच्छा सफिशियंटली शॉर्ट में इन दोनों ही गाइड बुक्स में दिया हुआ है। तो जैव विकास बायोलॉजी से हम लोग करेंगे, पेजेस दिए जा रहे हैं आपको। उसके बाद इधर पॉलिटी में हम लोग करेंगे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, कर चुके हैं कार्यपालिका, विधायिका, अब करेंगे हम लोग न्यायपालिका। जुडिशियरी हम लोग करेंगे आर्टिकल 124 से लेकर आगे जितने भी घटनाक्रम है, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद न्यायाधीश, रेजिग्नेशन, नियुक्ति, ट्रांसफर, ये सारा डिटेल्स हम लोग इसमें करेंगे न्यायपालिका में। तो ये आप पेजेस नंबर दिए जा रहे हैं, इसमें आप पढ़ें और सारे तथ्यों को समझने का प्रयास करें। उसके बाद 2011 की जनगणना में आज शिक्षा का दर फिर से हम रख रहे हैं। लिटरेसी रेट आपने किया, लेकिन आपने क्या किया, सर्वाधिक राज्य सबसे कम, आज शिक्षा दर लिटरेसी रेट फिर रहेगा, लेकिन इस बार मेल और फीमेल, महिलाओं का शिक्षा दर, पुरुषों का शिक्षा दर राज्यों में और भारत में कितने प्रतिशत हैं, महिलाओं में कितना प्रतिशत है, डिटेल्स, यानी शिक्षा दर तो हम लोग फिर करेंगे, लेकिन इस बार करेंगे मेल और फीमेल के कंटेक्स्ट में। अभी तक हम लोगों ने कॉमन किया, लेकिन अब किस राज्य में महिलाओं का लिटरेसी रेट सबसे कम है, सबसे अधिक है, तो ये सब डिटेल्स हम लोग फिर से लिटरेसी रेट को फिर से ले रहे हैं, लेकिन इस बार महिला और पुरुष के संदर्भ में शिक्षा का दर करेंगे। तो ये आज 5 टॉपिक्स फिर से आ गए, इसे आप कंप्लीट करने का प्रयास करें जहां तक संभव हो। ये आपकी निधि है, तैयार हो रही है ट्रेजरी, ये आपको काम आने वाली है, बहुत बहुत काम आएगा, एग्जाम जब नज़दीक आएगा तब इसकी महत्ता का आपको पता चलेगा। टेक केयर।